हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का, जिसके लिए हमने यहाँ चिकन काट के रखी हुई है पहले से ही, और आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ एक मुर्गी रखी है बचा के, ताकि किस तरह कटेगी आपको पहले इसकी कटिंग दिखाएंगे, फिर इसको मसाला लगाएंगे और फिर आपको पका के दिखाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये हमने चेस्ट लिए, इसको गर्दन अलग करेंगे इस तरह से, बस इसको इस तरह पकड़ के, इस तरह गर्दन अलग हो गई। तो इसको हम करेंगे जो उसमें एक्स्ट्रा फैट है और चीतड़े हैं, जो उसकी चर्बी है, इसको हम अलग करेंगे। जैसे साफ हो गया, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छी तरह धो के रखी हुई है, और हम इसको अब करेंगे सेपरेट। एक चेस्ट का, एक सीने का जो है ना, दो टिक्के बनते हैं। देखें अलग हो गया दोनों। इसको इसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी लगी हुई, इसको मलक करेंगे, साफ करेंगे, और साफ करने के बाद हम इसको काट के आपको बताएंगे एकदम क्लियर है। और हमने लेग्स लिए, इसको भी हमने अच्छी तरह धो के साफ करी हुई है, और इसको भी हम सेपरेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन लेग्स भी अलग हो चुके हैं। अच्छा, हम इसमें से इसको जो है ना विंग्स अलग करेंगे। पहले से हमने जो है ना मुर्गी काफ़ी बड़ी साइज के लिए, एक कम से कम 400 ग्राम का होगा, इसलिए हम इसको अलग करेंगे। और ये आपको देखते हैं एकदम साफ है, इसको भी आपको काट के दिखाएंगे। ये जो विंग्स वाली साइड है, साइड से इसको कट मारेंगे। ये देख सकते हैं एकदम खुल चुकी है चेस्ट, और एक कट यहाँ मारेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह लग सके, भरी जा सके। ये सीने खुल गया है, और इस पर हम इसको इस तरह काटेंगे। ये देख सकते हैं अपने पास जो लेग्स है, इसके ऊपर भी हम इसे कट मारेंगे ताकि अच्छी तरह इसमें मसाला अंदर तक लग सके। ये इसमें मसाला बनाएंगे तो इसमें लगाएंगे तो अच्छी तरह जो है ना इसमें मसाला भी इसमें अंदर तक जाएगी। देख सकते हैं दोनों तरफ से हम इसको कट मारिए, और ये दूसरी विंग जो अपना विंग्स है, इसको भी निकालेंगे। जो इसके जॉइंट है ना, इस जॉइंट पे छुरी आप रख दें, छुरी चलाएं तो ये अलग हो जाएगा इस तरह। इसको भी हम इसी सेंटर से कट मारेंगे, और ये खुल गया, और इससे कट लगाएंगे ताकि इसमें भी मसाला अच्छी तरह लग सके। और ये पोर्शन से थोड़ा ब्लड लगा हुआ है, इसको हम अलग कर देंगे, और इसको हम मसाला लगाने से पहले विनेगर लगाएंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा जो कहीं ब्लड बची हो वो भी अच्छी तरह साफ हो जाए, और चिकन की जो ईक है ना, ये भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं इसको भी हमने अलग कर दी। इसी तरह सबको हम काट के आपको दिखाएंगे। ये सारी चिकन कट चुकी है, हमने इस तरह चेस्ट और उसका लेग्स जो है चिकन के, ये हमने कट मार के इसमें रख दिए। आप इसमें लगाएंगे विनेगर, विनेगर इसलिए लगाएंगे ताकि जो है ना इसकी जो चिकन की ईक और जो ब्लड लगी हुई इसमें,
ये जो है ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, हमने अभी इसमें रखी है छन्नी में ताकि इसके जो है ना एक्स्ट्रा पानी भी निकले, और हम इसमें लगाने जा रहे हैं सिरका। इस तरह हाथों में सिरका भर के इस पर चढ़ा सकते हैं, तरह वेस्ट भी नहीं होगा और आपका सिरका भी जो है ना अच्छी तरह लगेगा इसमें। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो ब्लड लगी हुई है या इसके चिकन की ईंक अपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। गैस, हमने यहाँ लिया है तिक्के का मसाला, जिसमें हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है रेड चिली क्रश, और सॉल्ट 60 में लिया है जो जायके के मुताबिक, और यह हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। ये हमने लेमन जूस लिया है लगभग 1/2 कप के करीब, या आप इसको ले सकते हैं 7 से 8 टेबल स्पून। और अब इसमें मसाले जो है ना सारे हम इसमें ऐड करेंगे वन बाय वन। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये क्रश चिल्ली, नमक, गरम मसाला, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर, करेंगे भी मिक्स। अभी से एकदम इसमें टिक्के की खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर आप किसी भी हरियाणा स्टोर से ले सकते हैं। इसमें हमने आपको सामने ऐड किए लगभग 1/4 टीस्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर। ये अपना टिक्के का मसाला, अब इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल 2 टेबल स्पून। और अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको हम आधे घंटे रखेंगे, आधे घंटे के बाद इसको चिकन में लगाएंगे अच्छी तरह। ये अपना टिक्के का मसाला एकदम रेडी है। ये हमारा मसाले को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है, और अब इसमें लगा रहे टिक्के में, चिकन में लगा के इसको हम मसाला लगा के अब इसको रखेंगे आधा घंटा और फिर आपको पका के भी दिखाएंगे कि चिकन टिक्का किस तरह पक चुका है, क्या रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये आप भी अपने घर पे ट्राई करें, फिर आप बताएं कि किस तरह बना। ये हमने इसको फूड कंटेनर में रख दिए मसाला लगा के। ये अच्छी तरह लगड़ लगड़ के मसाला लगाएं ताकि अंदर तक जो है ना इसमें मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। जब इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा मसाला लगेगा, तो ही मसाले को जो है ना जायका तिक्के में आएगा, तो आपको टेस्ट में अच्छी लगेगी।
ये अभी से मुझे सिरके की खुशबू आ रही है एकदम, सिरके की, लेमन जूस की और गरम मसाले की अभी अच्छी तरह बहुत खुशबू आ रही है। देखो मैं हमने मसाला लगा लिए, अब इसको आधे घंटे बाद पकाएंगे और आपको बताएंगे ओवन में पका के ओवन में किस तरह टिक्का पकता है। घर से आप देख सकते हैं हमारा चिकन टिक्का ओवन में पक चुका है एकदम रेडी है।